ग्रामीण मीडिया पत्रकार एसोसिएशन ने, मैं समझता हूं कि वाराणसी जनपद के सारे पत्रकारों के साथ एक प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बीते वर्षों की चर्चा के लिए आज हम सारे लोग यहां पर इकट्ठित हुए थे। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी पत्रकार थे, लगभग सभी अखबार के लोग जो हमारे बड़े ही प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, सारे अखबार से जुड़े हुए लोग, हमारे प्रिंट मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथी यहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में 9 साल के जितने भी कार्य हुए थे उसको बड़े सार्थकता रूप में इसको लोगों ने लिया और वाद विवाद भी हुआ। अगर किसी ने प्रश्न भी कुछ किया तो उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया गया। निश्चित रूप में मैं जानता हूँ या मानता हूँ इस बात को कि इस तरीके के आयोजन से जो हम आज अभी मैं करने जा रहा हूँ, हर घर में मिलने का जो एक हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम है, लेकिन वह तो कार्यक्रम अपनी जगह पर है, लेकिन उससे बेहतर मैं यह मानता हूँ जो आज का आयोजन हुआ है, सभी पत्रकार भाई अपनी कलम से यदि लिखेंगे कि वास्तव में 9 साल। देखिए, आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 2 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो। और इसमें क्या है ना कि हमने जो ये वार्तालाप कार्यक्रम नाम का जो कार्यक्रम किया है, इसमें अपने ग्रामीण मीडिया कार्यशाला में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने वाले मुख्यतः जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया। और जो इस बार की ये वार्तालाप कार्यक्रम हुआ, इसका विषय हमने रखा है भारत सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको देखते हुए 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। आज हमने अपने पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर 9 साल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा जो कार्य हुए हैं आम जनता के विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उससे अवगत करवाया। साथ ही साथ हमने उन 9 वर्षों में जो कार्य हुए उससे संबंधित प्रचार साहित्य को भी उनको उपलब्ध करवाया। यहाँ एक प्रदर्शनी भी हमने केंद्रीय संचार ब्यूरो के जरिए लगवाई ताकि हमारे पत्रकार मित्र जो हैं वो प्रदर्शनी देख करके भी अपने समाचार को फाइल कर सके। और उनसे हमने अनुरोध किया कि आपके माध्यम से हम इस क्षेत्र के आम जन तक, जन जन तक, अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आम लोगों के लिए क्या कार्य किया है 9 वर्षों में और आगे क्या क्या कार्य होगा।